गाइस वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया स्टोरी और मैं हूँ श्रेया। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, बिल्कुल दोपहर से बज रहे हैं अभी पौने दो का टाइम है। और इसी के साथ साथ ये हमारे चुनी मुनी जैसा कि बहुत ही बिजी डे है क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल व्रत त्योहार सारे एक साथ ही हैं। तो कल है हमारा जो है मेरा पहला, मैं अपने बेटे के लिए व्रत रखूंगी, तो जिसका नाम है हलषष्ठी तीन छठी, बहुत जगह इसे बहुत नामों से जाना जाता है। तो ये मेरा पहला व्रत है जो मैं कल करने वाली हूँ। इसी के साथ साथ इसमें बहुत सारी तैयारियाँ होनी है क्योंकि ये मेरा पहला है और मेरे बेबी का भी पहला है, तो इसे कल छठी आया जाएगा। छठी आना का आपको मतलब समझ में आता है, जो छठी होती है तो वो तो 6 दिन पे होती है उसके होने के बाद, पर एक बार और इस व्रत में बच्चे की छठी होती है। जिनके यहाँ ये व्रत रखा जाता है उनको ये चीज़ पता है कि उस दिन, यानी जब भी मम्मी अपने बच्चे के लिए ये व्रत उठाती है तो उस दिन उस समय उस बच्चे की छठी की जाती है, यानी हलषष्ठी के दिन, तो वो भी होगी। तो इसमें भी बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद पहली बार देखूंगी। मैंने इसके पहले कभी देखा नहीं है, बस सुना है मैंने अपने भतीजे का, जब हो रहा था तब भी मैं वहाँ पे थी नहीं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, कल ही मुझे पता चलेगा। हर जगह थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं मगर ये व्रत सब लोग करते हैं हमारे यहाँ, या फिर मेरे यहाँ हो रहा है, मतलब यहाँ मेरे ससुराल में भी किया जाता है ये व्रत, मेरे मायके में भी किया जाता है, यानी मेरी मम्मी भाभी भी करती हैं, मेरी बुआ लोग भी करती हैं, और इसी के साथ साथ मेरे मामा वगैरह के यहाँ भी, मतलब उस साइड में हमारे जितने भी रिलेटिव वगैरह हैं और उस साइड में सभी लोग ये व्रत रखते हैं। तो आई एम श्योर बहुत लोग आप लोगों में से भी ये हलषष्ठी या तीन छठी का व्रत ज़रूर करते होंगे। अगर करते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और कौन ये व्रत करता है और आपके यहाँ क्या होता है, क्या आपके यहाँ भी बच्चे की छठी की जाती है इस व्रत में, तो ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथ ना बहुत सारे काम निपटा लिए, इसलिए मैंने आज का व्लॉग जो दोपहर से शुरू किया है, बट बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है आज, बहुत ही ज़्यादा, मतलब नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। इसी के साथ साथ हमने बहुत सारी सफाइयाँ भी कर ली है, कपड़े तो बहुत सारे हैं क्योंकि नमिश के इतने ज़्यादा कपड़े निकलते हैं हर समय, तो वो उसका तो रोज का ही रहता है, तो क्योंकि अभी कपड़े सूखते नहीं है तो वॉशिंग मशीन में ही धोना सुखाना सब पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ तीन के जो चावल हैं जो कल व्रत में खाने हैं उनको साफ़ करना है, महुआ है जो व्रत का प्रसाद भी रहेगा और इन सबको भी मुझे साफ़ करना है, तो वो मैं देखती हूँ अभी क्या क्या करना है। इसी के साथ साथ जो भैंस की दही और भैंस का दूध का घी ये सब चाहिए, तो ये मैंने ऑर्डर करा है, मतलब मेरे हस्बैंड लाएंगे तो वो ले आएंगे, तो जो कि सारी चीज़ें आज ही करनी है क्योंकि ये व्रत सुबह सुबह ही जो है पूजा वगैरह इसमें की जाएगी। वैसे तो कल सुना है पूरे टाइम दिन में गांठ देने का, गांठ आपको पता होगा अगर ये लोग रहते, जो लोग रहते हैं को कुश जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है उसमें गांठ दी जाती है, तो वो करना है, तो ये पूरा टाइम है, मतलब दिन भर टाइम है, बट अच्छा होता है पूजा पाठ अगर आप सुबह सुबह ही कर लें, वैसे अच्छा है कि पूरा दिन है क्योंकि नमिश की वजह से ज़रूर लेट होता है, उसके बहुत सारे काम खुद के होते हैं और जब भी कुछ होता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ ये काम फंसा देते हैं। तो हम चलिए ब्लॉग की शुरुआत तो हो गई है और मैं बताती चलूँगी कि मैं आज कर क्या कह रही हूँ। खैर आज जो है खाने में बनाया था कान की सब्जी, ये कान की नहीं, और जो सूरन होता है यानी एलिफेंट फूट, उसकी जो मसालेदार सब्जी और पूड़ी बनाई थी तो वो सब ने खा लिया है, लंच वगैरह हो गया है। नमिश अभी सो रहा था बट ये अब उठ गया है और अब वो नहीं सो रहा है, आई रियली डोंट नो कब सोएगा क्योंकि हमको भी थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए ही, तो चलिए देखते हैं कब ये सोता है। फिर अब मुझे बहुत सारे काम है, वहाँ पर मैं धीरे धीरे बताती जाऊँगी अपने व्लॉग में क्या क्या करना है। हमारा शोनी मोनी जो बहुत ध्यान से देख रहा है, से हाय टू एवरीवन, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द मम्मास चैनल एंड प्लीज फॉलो माई चैनल नमिश की दुनिया को, आप सब्सक्राइब करो और फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, क्या नाम है आपके इंस्टाग्राम आई डी का, क्या है, little.namish, ठीक है। हाँ इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी रील्स और फोटोज है ना, जाओ सब लोग फॉलो करो, बोल दो आप सबको कि आप सब लोग फॉलो करो। हाँ देखिए वो आपको कह रहा है तो आप ज़रूर उसके चैनल नमिश की दुनिया और उसके इंस्टा आईडी little.namish को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, उसके साथ साथ मेरे भी वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो करें, और मुझे भी आई एम श्रेया के नाम से फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर।
था कि बहुत ही बिजी डे है क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल व्रत त्योहार सारे एक साथ ही हैं। तो कल है हमारा जो है मेरा पहला, मैं अपने बेटे के लिए व्रत रखूंगी, तो जिसका नाम है हलषष्ठी तीन छठी, बहुत जगह इसे बहुत नामों से जाना जाता है। तो ये मेरा पहला व्रत है जो मैं कल करने वाली हूँ। इसी के साथ साथ इसमें बहुत सारी तैयारियां होनी है क्योंकि ये मेरा पहला है और मेरे बेबी का भी पहला है, तो इसे कल छठी आया जाएगा। छठी आना का आपका मतलब समझ में आता है, बच्चे की जो छठी होती है तो वो तो 6 दिन पे होती है उसके होने के बाद, पर एक बार और इस व्रत में बच्चे की छठी होती है। जिनके यहाँ ये व्रत रखा जाता है उनको ये चीज पता है कि उस दिन, यानी जब भी मम्मी अपने बच्चे के लिए ये व्रत उठाती है तो उस दिन उस समय उस बच्चे की छठी की जाती है, यानी हलषष्ठी के दिन, तो वो भी होगी। तो इसमें भी बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं खुद पहली बार देखूंगी। मैंने इसके पहले कभी देखा नहीं है, बस सुना है मैंने अपने भतीजे का जब हो रहा था तब भी मैं वहां पे थी नहीं, मुझे ज्यादा पता नहीं है, कल ही मुझे पता चलेगा। हर जगह थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं मगर ये व्रत सब लोग करते हैं हमारे यहाँ, या तो मेरे यहाँ हो रहा है, मतलब यहाँ मेरे ससुराल में भी किया जाता है ये व्रत, मेरे मायके में भी किया जाता है, यानी मेरी मम्मी भाभी भी करती हैं, मेरी बुआ लोग भी करती हैं, और इसी के साथ साथ मेरे मामा वगैरह के यहाँ भी, मतलब उस साइड में हमारे जितने भी रिलेटिव वगैरह हैं और उस साइड में सभी लोग ये व्रत रखते हैं। तो आई एम श्योर बहुत लोग आप लोगों में से भी ये हर षष्ठी या तीन छठी का व्रत ज़रूर करते होंगे। अगर करते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और कौन कौन ये व्रत करता है और आपके यहाँ क्या होता है, क्या आपके यहाँ भी बच्चे की छठी की जाती है इस व्रत में, तो जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ ना बहुत सारे काम निपटा लिए, इसलिए मैंने आज का ब्लॉग जो दोपहर से शुरू किया है, बट बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है आज, बहुत ही ज्यादा, मतलब नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। इसी के साथ साथ हमने बहुत सारी सफाइयां भी कर ली है, कपड़े तो बहुत सारे हैं क्योंकि नमिश के इतने ज्यादा कपड़े निकलते हैं हर समय, तो वो उसका तो रोज का ही रहता है, तो क्योंकि अभी कपड़े सूखते नहीं है तो वॉशिंग मशीन में ही धोना सुखाना सब पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ तीन के जो चावल हैं जो कल व्रत में खाने हैं उनको साफ करना है, महुआ है जो व्रत का प्रसाद भी रहेगा और इन सबको भी मुझे साफ करना है, तो वो मैं देखती हूँ भी क्या क्या करना है। इसी के साथ साथ जो भैंस की दही और भैंस का दूध का घी ये सब चाहिए, तो ये मैंने ऑर्डर करा है, मतलब मेरे हस्बैंड लाएंगे तो वो ले आएंगे, तो जो कि सारी चीज़ें आज ही करनी है क्योंकि ये व्रत सुबह सुबह ही जो है पूजा वगैरह इसमें की जाएगी। वैसे तो कल सुना है पूरे टाइम दिन में गांठ देने का, गांठ आपको पता होगा अगर ये लोग रहते जो लोग रहते हैं को कुछ जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है उसमें गांठ दी जाती है, तो वो करना है, तो ये पूरा टाइम है, मतलब दिन भर टाइम है, बट अच्छा होता है पूजा पाठ अगर आप सुबह सुबह ही कर लें, वैसे अच्छा है कि पूरा दिन है क्योंकि नमिश की वजह से ज़रूर लेट होता है, उसके बहुत सारे काम खुद के होते हैं और जब भी कुछ होता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ ये काम फंसा देता है। तो हम चलिए ब्लॉग की शुरुआत तो हो गई है और मैं बताती चलूँगी कि मैं आज कर क्या कह रही हूँ। खैर आज जो है खाने में बनाया था कान की सब्जी और जो सूरन होता है यानी एलिफेंट फूट, उसकी जो मसालेदार सब्जी और पूड़ी बनाई थी तो वो सब ने खा लिया है, लंच वगैरह हो गया है। नमिश अभी सो रहा था बट ये अब उठ गया है और वो नहीं सो रहा है, आइडियली डोंट नो कब सोएगा क्योंकि हमको भी थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए ही, तो चलिए देखते हैं कब ये सोता है। फिर अब मुझे बहुत सारे काम है, वहाँ पर मैं धीरे धीरे बताती जाऊँगी अपने व्लॉग में क्या क्या करना है। तिन्नी के चावल इनको अच्छे से साफ कर लिया है क्योंकि ये इतने चावल है, इसको ढक देते हैं। हुआ इस तरह का था पहले, इसमें से मैंने ये सब साफ करके मुए को निकाल लिया है अच्छे से साफ करके, इसको कद्दू पूजा और खाने पीने में यूज़ करता है क्योंकि जितनी भी तैयारियां वो कर रहे हैं व्रत की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। और इसी के साथ साथ जो कुछ है एक्चुअली मेन काम है उन्हीं का, तो उसमें जो है हमें गांठ देनी है, उनकी पूजा करनी है, वही छठी माता होती हैं। तो मैं आपको पहले कुछ दिखा देती हूँ किस तरह से हमने गमले में अरेंज किया है और वो देख लेते हैं। ना थोड़ा सा लाइट हमने बालकनी के लिए लाई है, बाकी क्योंकि पूरा अंधेरा है और ये है व्यू, अभी नाइट व्यू है ये पूरा, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए कुछ लगाया है एकदम हमने, यहाँ पे पूरी मिट्टी वगैरह गिर गई है अभी लगाने के वजह से, बट हम इसको सुबह साफ कर लेंगे क्योंकि बारिश हो ही रही है और कंटिन्यू ये बैल्कनी जो है वो गंदी हो रही है, तो कल ही आराम से इसको साफ कर लेंगे पूजा करने के टाइम पे। ये देखिए कि कुछ पूरा अच्छे से हमने इसको लगा दिया है। और इसी के साथ साथ जो है बाकी तो मैंने आपको तैयारियाँ बताई दी, बेबी स्लीपिंग आराम से सो रहा है, इसको सोने देते हैं। का जो दिन है ना वो बहुत ही स्पेशल है, स्पेशल इसलिए है
क्योंकि आज के ये दिन मुझे पता चला था कि दैट आई एम प्रेग्नेंट। यस, वो दिन ये दिन नहीं भूल सकते क्योंकि ये 16th of August और सुबह के एकदम 5 बजे जो है मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, जो कि अनबिलीवेबल अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि इस टाइम हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा, एंड इट्स पॉजिटिव। अब बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैंने आपको पहले भी अपना स्टोरी में बता चुकी हूँ कि रिएक्शन एंड हाउ फर्स्ट रिएक्शन, इन सब के बारे में बता चुकी हूँ। वीडियो नहीं देखा तो आज देख लीजिए। तो 15th August को, उस दिन संडे था, तो जो मैं अपनी प्रेगनेंसी किट लाई थी और कि उस 16th of August की एकदम सुबह मुझे रात भर नींद नहीं आई थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसी के उधेड़ बुन में थे। और जब भी मैंने 16 August को सुबह 5 बजे टेस्ट किया सो दिस रिजल्ट इज पॉजिटिव, और तुरंत ही मैंने मेरे हस्बैंड को बताया। और दैट्स अ वेरी रियली वेरी हैप्पी मोमेंट एक्चुअली। और उसके बाद तुरंत हमने अपने मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली मेरी मम्मी को फ़ोन करके ये खुशखबरी दी, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट डे। तो मुझे वही याद आ रहा है कि कैसे एक साल बीत गए, बहुत फटाफट बीते, बहुत ज़्यादा फटाफट बीते हैं ये जो एक साल है ना पूरा, बहुत जल्दी। जैसे हम इस घर में आए हैं उसके बाद इसके आने की न्यूज़, और बीच में बहुत कुछ मतलब इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा, सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, ऐसे ऐसे 9th month। एक्चुअली दैट डे कम्स की 6th of April की हमारा बेबी अब देखिए साथ में आ गया, और अभी वो 4 महीने का कंप्लीट भी हो गया है। सो लाइफ इज रियली अमेजिंग। अगर बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ये एक्साइटिंग जर्नी रही है एक्चुअली में। तो ये एक होता है ना कि बेबी ने एक आपके अंदर एक मदर और आपके साथ एक फादर का भी जो है बेबी के साथ साथ जन्म होता है, तो ये एकदम सही बात है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं होती, धीरे धीरे आप सीख रहे हो, और अभी भी आप हर स्टेज में हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, हर महीने कुछ ना कुछ आप नया सीख रहे हो अपने एक नई बेबी के साथ। हो गया आपकी पहली की ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली डिफरेंट। आप एज अ पहले इसके पहले एज अ कपल हम हस्बैंड एंड वाइफ जी रहे थे, बट आपकी सिचुएशन है कि हम एज अ हस्बैंड वाइफ में एज अ मदर फादर ही ये लाइफ को जो है वो ये जर्नी को जी रहे हैं। कुछ भी है बेबी के लिए सोचना है, बेबी के लिए करना है, बेबी के लिए ये ख़त्म हो गया वो लाना है, ये लाना है, ये कैसे करना है वो कैसे करना है, उसका फ्यूचर ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम खुद को ही भूल गए हैं, एंड दैट अ वेरी गुड थिंग। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आता है, हम इसे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो ये 16th of August को हमने एक्चुअली जाना था दैट वी आर प्रेगनेंट। हाँ, मैंने देखिए अपनी साड़ियाँ निकाल ली हैं, साड़ी निकाल ली है, टॉवल निकाल लिया है, और बेबी को भी कपड़े निकाल लिए हैं, ये सब मैंने निकाल के रख लिए हैं। आई रियली डोंट नो कि इसमें से मैंने दो साड़ी निकाली है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा पहनूंगी। पहले तो जैसे ब्लाउज़ और मैचिंग पेटीकोट वगैरह मिल जाएगा तो वही मैं पहनूंगी, और ये एक टॉवल है जो कि कल काम लगेगा, तो उसके लिए मैंने सब निकाल निकाल के सब अच्छे से रख दिए हैं। अभी जो है खाने की तैयारी कर रहे हैं, खाना एक्चुअली हो गया है, सबको खिला देते क्योंकि कल सुबह बहुत जल्दी उठना है, अभी भी बहुत सारे काम मुझे करने हैं। मैं नाइट ड्रेस में आ गई हूँ, और अभी क्योंकि डिनर करके सोना है, और ये देखिए ये मैंने अपने बैंगल्स रेडी कर लिए कल के लिए, आई थिंक ये किसी पे भी मैच कर जाएगा मेरी साड़ियों पे। और ये देखिए कितना अच्छा बैंगल्स लग रहा है ना, और ये मैंने कम ही रखे हैं क्योंकि इसमें थोड़े बेबी को भी पकड़ना होता है, बेबी को होल्ड करना रहता है तो बहुत सारे ज़्यादा नहीं ठीक लगेगा, और साथ में काम करने में भी ईजी रहता है, और ये सुंदर बहुत लग रहे हैं पर है ना। एक्चुअली ये कांच की चूड़ियाँ हैं सारी, ये कांच की है, ये सारी कांच की चूड़ियाँ तो व्रत त्यौहार इन सभी तो कांच की चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए। तो ये देखिए ये मैंने इसको निकाल लिया है और इसी को मैं पहनने वाली हूँ, और इसी के साथ साथ जो है अभी मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करके पूछती हूँ, कुछ चीज़ें मुझे डाउटफुल लग रही है तो जो कि मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अभी फिर खाना खाएंगे इसके बाद। और इनके साथ में इनकी बुआ भी आई हैं, तो क्योंकि वो उनको भी दिन छठ करना हमारे साथ ना,
क्योंकि तो बाबू की भी छठी है, तो उनका मन था कि वो उस वक्त यहाँ पे रहें, तो कुछ दो चार दिन के लिए हमारे पास आई हैं, तो वो भी आई हैं। और उसी के साथ साथ काफ़ी जो हमारे जो व्रत के जितने सामान थे ना, वो सारे आ गए हैं, तो कल बस सारा प्रिपेयर करना है। अब और भी रात में ही कुछ तैयारियां करके रखनी है, गाय अरे भैंस का दूध, भैंस के दूध की दही, ये सब हम लोग ने ले लिया है, उसको अच्छे से साफ एकदम गरम गरम करके रखना है, बहुत सारे काम है अभी। यहाँ पे मैंने तिन्नी के चावलों को अच्छे से धो के रखने हैं, इनको पीसना है, कल इनकी पूड़ियाँ बनेंगी और व्रत में लगेंगी, तो ये रात भर इसी तरह सोक रहेंगे, मतलब पूरे पानी में नहीं बस धुल के रखा है। इसी के साथ साथ दूध जो है वो भी निकाल के गर्म करने के लिए रख दिया है। जो देखिए ये दूध है, ये भैंस का दूध है, इसको हमने अच्छे से गर्म कर एक फ्रिज में दही रखी है 2 किलो के करीब, क्योंकि बनेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये है केरमुआ का साग, जो पानी में होता है और जो अब होता नहीं जा पा है, इसी को खाना रहता है। इसी के साथ साथ अरवी के पत्ते हैं, नींबू है, मेथी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये रहे महुए के पत्ते, ये महुए के पत्ते हैं, इसी पे पूजा और इसी पे प्रसाद रखा जाएगा, इसका बड़ा महत्व है। यहाँ पे नींबू है, पत्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, और साथ ही साथ ये जो है महुआ के दातून, ये भी हैं, इसको हमको सुबह करना पड़ेगा, महुआ के दातून को, तो ये हमको चाहिए था। तो ये सब है व्रत के एसेंशियल जो चाहिए और हमको मिल गया है फिलहाल। मेरे तो पहले व्रत में सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। और ये जो है अमूल का है, भैंस का घी, भैंस का घी यही हमको चाहिए, भैंस के दूध की घी चाहिए, तो एक ये है और दूसरा ये है, तो मतलब ये चीज़ें भी हमको मिल गई हैं ना। इसको मैं अपने वॉशरूम में रख देती हूँ, सुबह मुझे याद पड़े, इसको असल बात कर तो नहीं पाएंगे ब्रश करने के बाद, पूछ के इसको कुछ करना है ताकि ये शुभ हो जाए, इसको करना ही होता है, दैट्स व्हाई ये है। डायपर खेलता हुआ, और ये देखिए बिल्कुल से पैंडा बन गया है, ये देखिए पैंडा हमारा, इसमें काजल लगाते इसे अपने यूं यूं आंखों में ये करना है, डायपर ले लो। अभी इसको खेलो खेलो करा रहे हैं हम लोग, तो ये इरिटेट हो रहा है क्योंकि इसके पापा इसके साथ ऐसे खेल रहे हैं, इसको मज़ा भी आता है मगर अभी बहुत इरिटेट हो रहा है क्योंकि अभी तक हम लोग को इरिटेट कर रहा था, और अपने डैडी के साथ इसे उनके मुंह पे रख दो ना तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी था और कल भी होने वाला है, सारी तैयारियाँ आधी से ज़्यादा मैंने कर रखी हैं, और अभी रमेश को सुलाने का टाइम है, इसको कोशिश करते हैं इसको जल्दी सुलाए ताकि हम भी जल्दी सो पाएँ और उसके बाद जल्दी से उठ जाएँ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसी तरह की नई वीडियोज़ के लिए रमेश के भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, रमेश की दुनिया में हम दोनों का इंस्टा आईडी आपको दिख रहेगी, वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तो बाय, लव यू, सी यू सून।